हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों मैं आज आपके सामने एक वेबसाइट का रिव्यू लेकर फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। इस वेबसाइट में क्या क्या मिलता है, कितने रेट में मिलता है, इसमें आपको शॉपिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करते हुए मेरी वीडियो में अंत तक बने रहें। जिस वेबसाइट का रिव्यू मैं आप लोगों के सामने करने जा रही हूँ उस वेबसाइट का नाम है mystore.com। इसमें क्या क्या मिलता है वह तो आप मेरी स्क्रीन में भी देख सकते हैं, वह भी प्राइस के संग। वैसे तो जब मैंने इस वेबसाइट को चेक किया मुझे इसमें लेडीज़ के लिए एक से बढ़कर एक कपड़े नज़र आए। चाहे कुर्ती ले लीजिए, चाहे विद दुपट्टा सूट ले लीजिए, और भी बहुत तरह के ड्रेस मैंने इस वेबसाइट पर चेक किया। आप चाहे तो इस वेबसाइट को खुद भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जब आप इस वेबसाइट को चेक करेंगे इतने कम प्राइस दिए गए हैं तो आप इसमें तुरंत ऑर्डर कर देंगे, वो भी बाय वन गेट वन फ्री दे रहे हैं। इतना सस्ता देख के हर कोई ऑर्डर कर देगा। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, यदि आपको ऐसी वेबसाइट देखें पहले उसकी छानबीन कीजिए, फिर उसके बाद इसमें शॉपिंग कीजिए। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ ये वेबसाइट पूरी तरह से फेक है। ये जितने फेक वेबसाइट होते हैं ना उसका एड बड़ी बड़ी साइटों में देते हैं ये लोग, जैसे यूट्यूब में, गूगल में, फेसबुक में। हर कोई आजकल यूट्यूब चलाता, फेसबुक चलाता और गूगल में भी कुछ ना कुछ सर्च करता रहता। मैंने भी इसका एड यूट्यूब में देखा था। जब मैंने इसका एड यूट्यूब में देखा तो मैंने इसकी छानबीन की, मुझे पता चल गया ये फेक वेबसाइट है। और जो ये एड दिया हुआ है उन्होंने पहले भी दूसरे नाम से बिल्कुल यही सारे ड्रेस इन्होंने डाली हुई थी। ये लोग तीसरी बार ऐसा कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट वही होता है, ड्रेस वही होती है, लेकिन नाम चेंज कर देते हैं। आप लोग ये बिल्कुल भी ना सोचें नाम चेंज है चलो ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि उसके बारे में तो पहले वीडियो बन गई है, इसके बारे में नहीं बनी और मैं बना रही हूँ तो आपको पता चल जाएगा ये फेक वेबसाइट है। इसलिए इसमें बिल्कुल भी शॉपिंग ना करें, वरना आपके संग भी फ्रॉड हो सकता है। ये लोग अपनी वेबसाइट बिल्कुल ऐसे बनाते हैं जैसे जेन्युइन वेबसाइट होती है, सारे ही ऑप्शन दे देते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देते हैं, लेकिन इन लोगों को पता है कोई भी ऑर्डर करने से पहले इनसे कॉन्टैक्ट नहीं करता, इसलिए सारे ऑप्शन दे देते हैं। ऑर्डर करने के बाद, पैसे देने के बाद ही इनसे कॉन्टैक्ट करते हैं। जब कोई प्रॉब्लम होती है, कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता या डिफेक्ट प्रोडक्ट मिलता है, तभी तो इनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, इसलिए ये लोग अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं। वैसे तो इनका नंबर कॉन्टैक्ट काम ही नहीं करता, ये लोग सिर्फ दे देते हैं कॉन्टैक्ट नंबर, लेकिन ये काम बिल्कुल भी नहीं करता। यदि आप इसमें ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे तो आपके पैसे डूब जाएंगे। यदि आप सोचोगे COD का ऑप्शन चुन लेते हैं, प्रोडक्ट आएगा तभी तो पैसे देंगे, लेकिन COD में भी आपके संग फ्रॉड कर रहे हैं ये लोग। जो मर्जी दे के चले जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स ने मुझे कमेंट किया है कि जो मर्जी दे के चले गए, हमने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया या डिलीवरी बॉय को पैसे दे दिए, अब हम रिटर्न कैसे करें। मैं आप लोगों बता देना चाहती हूँ, एक बार आपने पैसे दे दिए तो ये रिटर्न नहीं करेंगे, क्योंकि पैसे के लिए फेक वेबसाइट बनाते हैं। आपने पैसे दे दिए आपका कॉन्टैक्ट इनके संग खत्म हो जाता है। चाहे कितनी भी बड़ी साइट में इसका ऐड दिया हुआ हो, इसकी छानबीन करें। और यदि आपको पता ना चले, कैसे पता चलेगा ये फेक है या रियल है, इसमें शॉपिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिए। यदि आप यूट्यूब में सर्च करेंगे इसके बारे में आपको वीडियो जरूर मिल जाएगी। मैंने भी बहुत सारी फेक वेबसाइट के ऊपर वीडियो बनाई है, आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको भी पता चल जाए कौन कौन सी वेबसाइट फेक है, फिर आप फ्रॉड होने से बच सकते हैं। बस मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जितना ज़्यादा इसको आप शेयर करेंगे इतना लोग फ्रॉड होने से बच सकेंगे और मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी पूरा हो जाएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। कॉमेंट तो जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कॉमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं अगली वीडियो ला पाती हूँ और मुझे पता भी चलता है किससे फ्रॉड हुआ है, कौन फ्रॉड होने से बच गया। बस मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेके। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों को बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार।